कन्हान नगर परिषद अध्यक्ष करुणा अष्टनकर और सीओ गिरीश बन्नोरे द्वारा नियम के विरुद्ध तोड़े गए अर्धनिर्मित इमले को लेकर कन्हान नगर परिषद की नई इमारत के सामने अनशन शुरू किया गया है। इस अनशन की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा में माल्यार्पण कर पदयात्रा का आयोजन अनशन मंडप तक किया गया था। 10 मांगों को लेकर अनशन शुरू किया गया। इस आंदोलन में अनशनकर्ता के रूप में मोरेश्वर खड़से के द्वारा अनशन शुरू किया गया। अनशनकर्ता को विविध सामाजिक एवं राजनीतिक तथा धार्मिक संगठनों का समर्थन मिलने के कारण नगर परिषद की हर जगह किरकिरी हो रही है। ज्ञात हो कि कन्हान नगर परिषद द्वारा 30 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने को लेकर 6 दिसंबर 2020 को नोटिस देने के साथ 3 दिन तक अतिक्रमण तोड़ने को कहा गया था। पूर्व नपो अध्यक्ष के कार्यकाल में साप्ताहिक बाजार की जगह निर्धारित की गई थी, उसी स्थलांतर पर निर्धारित किया जाए और उपयुक्त 10 सभी प्रकार के ये 10 मुद्दों को लेकर विभागीय आयुक्त द्वारा एसआईटी गठित कर नगर परिषद में होने वाले भ्रष्टाचारों की जांच कर यहाँ पे नगर परिषद के सीईओ बन्नारे और नगर परिषद की अध्यक्षता करुणा अष्टनकर पर इन पर सीआरपीसी आईपीसी के तहत गुन्हे दाखिल कर इन्हें पद मुक्त किया जाए, ऐसी मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम अनशन शुक्ला बंद अनशन में लगे रहेंगे। परंतु 29 दुकानदारों को कन्हान नगर परिषद ने छुआ तक नहीं। वही मोरेश्वर खड़से के दुकान को नगर परिषद अध्यक्ष करुणा अष्टनकर एवं सीओ गिरीश बन्नोरे के द्वारा जबरन तोड़ दिया गया है। अनशन करता मोरेश्वर खड़से करुणा मैडम ने 30 नोटिस दुकानदारों को दिए। 30 नोटिस में से एक मेरी दुकान तोड़ी है और बाकी 29 के दुकान के खिल्ले तक के नहीं उखाड़े और अभी क्या कहाँ गई वो गाड़ी जो तोड़ फोड़ करने वाली है, सब के सब खामोश और चुप रहे हैं मेरी खाली अकेले की दुकान फोड़ के, जिसके विरोध में यह अनशन शुरू किया गया है। इस अनशन में जहां हनुमान शिव पंचायत मंदिर के पीछे सार्वजनिक शौचालय निर्माण का विरोध हो रहा है तो साथ में ही क्षेत्र में हो रही दूषित पानी कचरा व्यवस्थापन आदि को लेकर भी अनशनकर्ता सहित नागरिकों का विरोध हो रहा है। राधा चक्रे है, मैं 15 वर्षापासून ग्राम पंचायत च्या काळापासून काम करताना आज नगर परिषद 2014 मध्ये बनल्याच्या नंतर मी सफाईला तेव्हा पण सफाईला तयार होते, मी आताही सफाईलाच तयार आहे, सफाई करत होते, पण आता एवढ्या वर्षापासून आम्ही नगर परिषद मार्फत काम करतानी आज आमचं प्रत्येक वेळी शोषण होत आलेलं आहे। आज आता तेच आहे का आमचं पेमेंट आमचं वेतन आणि याच्या समर्थन मध्ये आम्ही स्वतः आपलं समर्थन देऊन याच्या बरोबर आम्ही अपसणारा बसलेलं आहे का आमचं काम किंवा आमचं पेमेंट आणि वेतन आमचं टायमर झाले पाहिजे, आम्हाला कामावर घ्यायची आमची मागणी करा, एवढी माझी विनंती आहे। इन बीस या न्यूज के लिए कन्हान से विमल त्रिपाठी की रिपोर्ट।